राहुल गांधी की मंदसौर सभा के बाद बीजेपी ने भी मैदान संभाल लिया है, जिसके चलते अब भाजपा किसानों को साथ लेकर ट्रैक्टर यात्रा निकाल रही है। इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में विशाल ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई। इस मौके पर हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने कैलाश विजयवर्गीय से खास चर्चा की। समर्थन में आज किसान इंदौर में सड़कों पर उतरे हैं और कैलाश विजयवर्गीय के समर्थन में 2000 से ज़्यादा किसान ट्रैक्टरों के साथ यहां पर पहुंचे हैं। भाई साहब, आज भाजपा के समर्थन में किसान इंदौर की सड़कों पर देखे जा रहे हैं, किस प्रकार का माहौल आप देखते हैं इसे? मैं आपको सुधारता हूँ, ये सिर्फ भाजपा के समर्थन में नहीं है, ये प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करने के लिए आए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार किसानों के हित में निर्णय लिए हैं, मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार किसानों के हित में निर्णय लिए हैं, तो ये सारे किसान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के प्रति धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे देश में किसान आंदोलन की बात कही जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इंदौर में इसे जुटलाया जा रहा है, इंदौर में बताया जा रहा है कि किसान किसी भी तरह से कांग्रेस के साथ में नहीं है। क्या लगता है कि चुनावी माहौल में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा जो दुर्घटना कह सकते हैं, जिसे क्योंकि राहुल गांधी के बाद रैली होने के बावजूद किसान आज यहाँ पर भाजपा के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आप समझ सकते हैं कि राहुल जी की परिवार की सरकार 60 साल रही, उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। हमारी सरकार को केंद्र में आए 4 साल हुए, प्रदेश में 14 साल हुए। इन 14 साल में हमने किसानों की माली हालत को बदल दिया, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल दिया, 24 घंटे बिजली पानी की सुविधाएं, किसान के बच्चों को पढ़ने की सुविधाएं, उनके स्वास्थ्य बीमा प्रधानमंत्री करा रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस उनके उत्पादन का 50% लागत मूल्य से अधिक लाभ किसान को पहुँचे, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में प्रावधान कर दिया, बजट में प्रावधान कर दिया। तो अब किसान का जीवन बिल्कुल एकदम निश्चिंत हो गया, और मैं कह सकता हूं कि इसीलिए इंदौर ज़िले के किसानों ने प्रधानमंत्री जी के सम्मान में यह ट्रैक्टर यात्रा निकाली। भाई साहब, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, आप खुद इसी विधानसभा से आते हैं जो कि ग्रामीण इलाके की मानी जाती है, कहीं ना कहीं आपने कहा किसान संपन्न दिखाई दे रहे हैं, तो क्या बैलगाड़ी से ट्रैक्टर यात्रा निकाली जा रही है, क्या यह भी एक संदेश है कि किसान संपन्न है? देखिए, बैलगाड़ी का समय अलग था, अब ट्रैक्टर का समय है तो ट्रैक्टर से निकाल रहे हैं लोग। प्रदेश में किसान आंदोलन की बात को खत्म करने के लिए और किसी प्रकार का माहौल प्रदेश में किसान आंदोलन को नहीं है, ये देखते हुए भाजपा ने इंदौर से इसकी शुरुआत की है और किसान यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें 2000 से अधिक ट्रैक्टरों के साथ कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में यात्रा इंदौर शहर में निकाली जाएगी और ये संदेश दिया जाएगा कि प्रदेश में कहीं भी किसान आंदोलन का कोई माहौल या कोई असर नहीं है। कैमरा पर्सन प्रदीप मसी और नीलेश करोसिया के साथ अंशुल मुकाती, टीजाना न्यूज़, इंदौर।